अयोध्या में रामलला की मूर्ति रखते ही हो गया ये चमत्कार। क्या हुआ जब अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंच गया बंदर? दोस्तों, 500 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद आखिरकार अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो चुके हैं। 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित राम लल्ला की मूर्ति को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध है। मूर्ति को कुछ इस अंदाज में बनाया गया है कि ऐसा लग रहा है मानो कि साक्षात भगवान राम इस मूर्ति के अंदर विराजमान है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या के अंदर चमत्कारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर दिन राम मंदिर में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसका गवाह और कोई नहीं बल्कि भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालु हैं। आखिर 23 जनवरी की शाम को राम मंदिर में ऐसा क्या हुआ था जिसने सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ राम मंदिर ट्रस्ट को भी हैरान कर दिया था? कौन थी वह वृद्ध महिला जो भगवान राम के चमत्कार की साक्ष्य बनी? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे बसा अयोध्या गहरे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व का शहर है। भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में जाना जाने वाला अयोध्या कई भारतीयों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है, जो तीर्थ यात्रियों और आगंतुकों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने के लिए आकर्षित करता है। 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और रामलल्ला को गर्भगृह में विराजमान किया गया। उपनिषदों में भगवान राम का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि भगवान राम के मन से चंद्रमा और आंखों से सूर्य का जन्म हुआ है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भगवान राम की आंखों से पट्टी हटाई गई और जब मुखमंडल पर कैमरा जूम हुआ, तो इस दृश्य को देखने के बाद देश दुनिया के भक्त भावुक हो उठे। केवल भक्तों का बल्कि शिल्प के जानकारों का भी यही कहना है कि जिस तरह से भगवान राम की प्रतिमा को तराशा गया है, वह वाकई में चमत्कार पूर्ण है। जिस तरह से श्याम शिला पर भगवान राम की आंखों को तराशा गया है, वैसा कर पाना बहुत कठिन काम है। रामलला की मूर्ति को तराशने वाले योगी राज खुद को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि प्रभु की मूर्ति तराशने का अवसर मिल पाना उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन अब मूर्ति निर्माण करने वाले कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगी राज ने भी भगवान राम की मूर्ति को लेकर ऐसी बात कह डाली है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। उनका कहना है कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, उसकी आभा ही बदल गई। मानो ऐसा लग रहा है कि राम लल्ला की मूर्ति साक्षात जीवंत हो उठी है। उनका कहना है कि यह किसी देवीय चमत्कार से कम नहीं है। रामनगरी में भव्य, दिव्य और नव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। भीषण ठंड और कोहरा होने के बावजूद भी देश के कोने कोने से रामलाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उद्घाटन के बाद पहले ही दिन राम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार मंदिर खुलने के पहले दिन ही 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान राम के दर्शन किए। राम भक्तों ने रामलला पर पैसों की बारिश कर दी है। राम मंदिर के लिए देश से ही नहीं विदेशों से भी छप्पर फाड़कर चंदा आ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनना हिंदुओं के लिए एक गौरवान्वित क्षण है, क्योंकि पिछले 500 सालों से हिंदू अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपना बलिदान दिया। यही वजह है कि 22 जनवरी को जब रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, तो उस दिन पूरे भारतवर्ष में दिवाली मनाई गई थी। देश के प्रत्येक राज्य के अंदर दिवाली की तरह घरों को सजाया गया था और देश भर में इस क्षण को धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया था। गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा विराजमान होने के बाद अब अयोध्या के अंदर चमत्कारों का दौर शुरू हो चुका है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था और 23 जनवरी की शाम को ही राम मंदिर में कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसने न केवल वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट को भी अचंभित कर दिया था। दरअसल
23 जनवरी को राम मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन करने के लिए खोल दिए गए थे सुबह से ही श्रद्धालुओं का। भगवान राम के दर्शन करने के लिए तांता लग चुका था। मंदिर श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया था। इतनी बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे कि परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। भक्ति के इस सैलाब में एक बेहद अद्भुत घटना घटित हुई, जिसका साक्षी और कोई नहीं बल्कि वहां पर मौजूद लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु थे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सोशल मीडिया पर 23 जनवरी की शाम को घटित हुई उस घटना के बारे में बताया है, जिसने सभी को अचंभित कर दिया था। लगभग शाम के 5 बज चुके थे, तभी एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा तो वे बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं यह बंदर मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे, लेकिन जैसे ही पुलिस कर्मी बंदर की ओर दौड़े वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए बिना किसी को हानि पहुंचाए ही दर्शनार्थियों के बीच में से बाहर निकल गया। वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि एक समय के लिए ऐसा लगा था कि मानो साक्षात हनुमान जी भगवान राम के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे हों। दोस्तों, भगवान राम और हनुमान जी के बीच कितना गहरा प्रेम है, इस बात को तो हम सभी जानते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। और भी कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि हनुमान जी बंदर का रूप लेकर अपने आराध्य श्री राम से मिलने के लिए किसी न किसी तरह पहुंच ही जाते हैं। इसके बाद राम मंदिर के अंदर एक और चमत्कार हुआ, जिसकी गवाह 80 साल की एक वृद्ध महिला बनी। राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा में जिन लोगों को आमंत्रित किया था उनमें से एक श्रीधर भी थे, जो अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था, उसके बाद श्रीधर की पत्नी, जिनकी उम्र 80 साल की है, वो भगवान राम के दर्शन करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश कर रही थी, तभी अचानक उनका बैग कहीं खो जाता है। जब श्रीधर की पत्नी जानकी यह देखती है कि उनका बैग गायब हो चुका है, तो वह एक पल के लिए तो काफी उदास हो जाती है, लेकिन अपने बैग को खोजने की बजाय सबसे पहले भगवान राम के दर्शन करने के लिए गर्भगृह तक पहुंचती है। जानकी भगवान के दर्शन करती है और अपने खोए हुए बैग के लिए भगवान के सामने प्रार्थना करती है। महिला का जो बैग खो गया था उसके अंदर लगभग 63,000 रुपए थे, लेकिन आप लोगों के मन में एक प्रश्न तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर महिला को उसका बैग मिला या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि महिला को उनका बैग सुरक्षित मिल गया था, लेकिन यह बैग किसी साधु के झोले में चला गया था। वो साधु और कोई नहीं बल्कि प्रेमानंद जी महाराज है, जो आज करोड़ों लोगों के मार्गदर्शक बने हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज तो उत्तराखंड के निवासी हैं, तो वहां पर पर्स कैसे पहुंच गया। दरअसल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रेमानंद जी महाराज भी शामिल हुए थे। गलती से महिला का बैग प्रेमानंद जी महाराज के झोले में गिर गया। जब महाराज जी अपने आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई अनजान सा बैग उनके झोले के अंदर है। जब उसको खोल कर देखा गया तो उसमें पैसे और आधार कार्ड मिला। प्रेमानंद महाराज ने आधार कार्ड के जरिए पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने उसे वृद्ध महिला को उसका बैग सुरक्षित ढंग से वापस किया। महिला का बैग प्रेमानंद जी महाराज के झोले में आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस घटना के बाद से श्रीधर का पूरा परिवार भगवान राम के गुणगान कर रहा है। धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटनाएं होना आम बात नहीं है। हो सकता था कि महिला का बैग एक ऐसे शख्स के हाथों लग जाता जो वापस ही ना करता, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस पर कृपा राम की हो वो पत्थर भी तर जाते हैं। तो दोस्तों, राम मंदिर के अंदर हुए इन दो चमत्कारों को लेकर आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वाकई में वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो सच्चा सनातनी है वह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।